प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विश्व भर में गंगा जमुनी तहजीब की पहचान रखने वाला प्रयागराज आजादी की लड़ाई का भी साक्षी रहा है। प्रयागराज के पुराने शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले चौराहे चौक इलाके के नीम के पेड़ के पास से गुजरते ही एक जंगे आजादी की याद बरबस ही आ जाती है। तो आइए जानते हैं इस नीम के पेड़ के बारे में। प्रयागराज जिला जंगे आजादी की सबसे संघर्षशील यादों को अपने में संजोए है। प्रयागराज के पुराने शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले चौक इलाके के नीम के पेड़ के पास से गुजरते ही जंगे आजादी की यादें ताजा हो जाती हैं। ये नीम का पेड़ देशभक्तों के लिए तीर्थ से कम नहीं है। इसका प्रत्यक्ष गवाह है ये नीम का पेड़। 1857 के गदर के दौरान इसी नीम के पेड़ की डालों पर अंग्रेज हुक्मरानों ने आजादी के दीवानों को नीम के पेड़ से लटका दिया था। दरअसल इस नीम के पेड़ पर लटका कर आजादी के दीवानों पर खौफ जमाने का प्रयास हुआ था। देश की आजादी के निशान सिर्फ दस्तावेज पर ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ गदर का ये नीम का पेड़ सबसे बड़ा गवाह रहा है। चौक इलाके में नीम का ये पेड़ देश प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। इसकी डालों पर अंग्रेज हुक्मरानों ने सैकड़ों निर्दोष हिंदुस्तानियों को फांसी पर लटका दिया था। ये स्वाधीनता आंदोलन की यादें ताजा करता है। भले ही आज के दौर में नीम के इस ऐतिहासिक पेड़ के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हो, लेकिन ये भी बेहद अहम बात है कि जो भी पुराने लोग हैं वो इसके बारे में नई पौध को बताते रहते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते रहते हैं। सच तो ये है कि चौक में नीम का पेड़ अंग्रेज शासन के अत्याचार को बयां करता सीना तान कर खड़ा है। अंग्रेजों के 1857 में ऐतिहासिक नीम के पेड़ के पास 6 और पेड़ थे। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ने वाले भारतीय जाबाजों को एक नहीं 7 नीम के पेड़ों पर फांसी दी गई और आज 7 पेड़ों के समूह में अब एक नीम का पेड़ बचा है। जुल्म के साक्षी ऐतिहासिक नीम के पेड़ के चारों ओर दुकानों का झुंड है। कभी पेड़ की डालियां दूर तक फैली थी। इसके आसपास से गुजरने वाले मन ही मन में 1857 का गदर याद कर लेते हैं। वही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक जी कहते हैं कि प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वही इलाहाबाद के लोगों ने जन विद्रोह करके 1857 में 10 दिनों के लिए अंग्रेजों से आजाद करा लिया था। वही इसके प्रतिरोध और बदला लेने के लिए कर्नल नील को अंग्रेज सरकार ने भेजा और उसने एक साथ कई लोगों को इस नीम के पेड़ पर फांसी से लटका दिया। यहाँ पर 7 नीम के पेड़ थे जिन्हें बाद में पूजा जाने लगा तो अंग्रेजों ने उसे कटवा दिया। तो वही प्रतीक स्वरूप भारतीयों ने एक पुनः नीम का पेड़ स्थापित किया जो आज भी उन बलिदानियों की बलिदान की याद दिलाता है। 1857 में 10 दिनों के लिए आजाद हो गया था। 7 जून से 16 जून इलाहाबाद के लोगों ने जन विद्रोह करके अंग्रेजों से आजाद करा लिया था। इसके प्रतिरोध और बदला लेने के लिए कर्नल नील को अंग्रेज सरकार ने भेजा और उसने भीषण रक्तपात किया और 10 दिनों के बाद 18 जून को फिर वह अंग्रेजी राज इलाहाबाद में काबिज करने में सफल हुआ। अब बदला लेने के लिए उसने जो निर्दोष और विद्रोही लोग थे उनको फांसी पर लटकाना शुरू कर दिया। 7 नीम के पेड़ थे, उन पे एक साथ फांसी दी गई। बहुत ही बड़ा बलिदान था। अंग्रेज लिखते हैं 8 बैलगाड़ियाँ 3 माह तक पेड़ से शवों को उतारती थी और इसका गंगा जमुना में बहाती थी।
एक तरीके से बहुत बड़ी शहादत थी। चौक का ऐतिहासिक नीम का पेड़ आज भी शहादत का प्रतीक बना है। वही समाज सेवक अभय अवस्थी कहते हैं कि ये प्रयागराज का शहीद स्थल, बलिदान का तीर्थ स्थल है। इस सात नीम के पेड़ पर लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। वही ये भी बताया गया कि आजादी के बाद एक प्रतीक के रूप में पेड़ लगाया गया था। आज वही पेड़ के चारों तरफ दुकान है, चौक बाजार हो गया है। साथ ही वो जब भी स्थल से गुजरते हैं तो उनका सर अपने आप उन शहीदों को नमन करने के लिए झुक जाता है। इलाहाबाद का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है, बलिदान का तीर्थ स्थल, धार्मिकता का नहीं, देश की एकता और देश के लिए जज्बात का जो है तीर्थ स्थल। ये सात नीम के पेड़ थे, यहीं पे लोगों को फांसी दी गई। आज वो घिर गया है, वहाँ चौक में बड़ा बाजार हो गया है, भीड़ हो गई है, पेड़ के आसपास आगे पीछे भी तमाम दुकानें हो गई हैं। मैं इस स्थल पर जब भी इधर से गुजरता हूँ मैं विनयावन मनत हो जाता हूँ, श्रद्धा से सर अपने आप झुक जाता है। सचिन पांडे ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि ये सबसे शहीद स्थल है, जिसे ऐतिहासिक नीम का पेड़ भी कहा जाता है। वो इस ऐतिहासिक नीम के पेड़ के बारे में जाने और जैसे मैं करता हूँ जब भी उधर से गुजरता तो श्रद्धा से नमन करता हूँ। पूर्वजों से मैंने सुना यहाँ पे शहीद स्मारक हुई है, यहाँ पे रहने कितने लोगों को शहीद किया गया है, उनका इतना समर्पण, उनका इतना आत्मबल उस समय की, वो अपने खुशी इस यहाँ पे फांसी पे चढ़ गए देश के लिए, देश के प्रति। और उसके साथ साथ मुझे एक युवा पीढ़ी को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे उन लोगों का बलिदान है जिन लोगों ने फांसी पे हंसते हंसते चढ़ के इस देश के लिए मर मिटे और इस देश को आज़ादी दिलाई। भारतीयों द्वारा स्थापित ये पेड़ आज भी उन बलिदानियों की बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान गंवा दी। देश उनको नमन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो हमने आपको बताया प्रयागराज के उस नीम के पेड़ के बारे में जिसकी आजादी में अहम भूमिका रही है, जहां पे कई लोग अपने प्राण निछावर कर चुके हैं आजादी के लिए। आशा करते हैं आजादी का महत्व सभी को समझ में आएगा और इस महत्व को समझने के लिए साथ ही आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए सभी लोग प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।